नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने बंजारा समाज चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त संदीप बंजारा फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ। आज की वीडियो बंजारों के इतिहास से रिलेटेड होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंजारे कौन है और बंजारे कहां से आए, बंजारों का सच्चा इतिहास क्या है, बंजारे क्षत्रिय है या नहीं है और भी कई सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम बंजारों के इतिहास से रिलेटेड पीछे भी कई वीडियोस ला चुके हैं, पर जिसके बावजूद भी कई भाइयों को ये पता नहीं है और भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि आज फिर एक बार आप लोगों के बंजारों के इतिहास से, बंजारों की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ खास जानकारी आप लोगों तक साझा की जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बंजारे कौन है और बंजारे जात का इतिहास क्या है। दोस्तों यूं तो भारत देश में कई प्रकार के धर्म व कई प्रकार की जातियां उपजातियां हैं। उन्हीं जातियों में से एक जाति है बंजारा जाति, जो कि अति प्राचीन जातियों में से एक है। बंजारा जाति अपनी संस्कृत की वजह से जानी जाती है। ये एक ऐसी जाति है जो अनादिकाल से ही व्यापार करती रही है। अब बात करते हैं बंजारे कौन है और बंजारे कहां से आए। ये सवाल ज्यादातर लोगों के माइंड में घूमता रहता है। कुछ भाई लोग नेट पर सर्च भी करते हैं कि बंजारे कौन है और बंजारे कहां से आए, पर उन्हें सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज्यादातर नेट पर तो बंजारों को नाचने गाने वाला ही बताया गया है, जबकि इनका सच्चा इतिहास बहुत ही अलग है और बहुत ही गौरवशाली रहा है। ये बंजारे अनादिकाल से ही व्यापार किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं बंजारा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा लोगों के माइंड में घूमता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हम बंजारों को बंजारा जात के ही नाम से जानते हैं। ये बंजारा शब्द तो व्यवसाय सूचक शब्द है। बताया जाता है कि बंजारों की उत्पत्ति भगवान शिव जी के गणों से हुई थी। भगवान शिव जी ने इन गणों को अपनी नंदीश्वर यानी जानवर की रक्षा करने का काम सौंपा था। इसी वजह से बंजारे जानवरों की देखभाल करते हुए जानवरों द्वारा ही व्यवसाय करने लगे थे और व्यवसाय करने के कारण ही उन्हें बंजारा यानी बंजारा नाम से पुकारा जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे इन्हें गौर बंजारा भी बोलते हैं। कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि गौर बंजारा क्यों बोलते हैं। कोई कहता है कि इनकी उत्पत्ति गौर प्रांत से हुई थी, इस वजह से इन्हें गौर माटी यानी गौर बंजारा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बंजारे कहां से आए, बंजारों की उत्पत्ति कहां से हुई। बंजारे कहां से आई, इस पर भी कई इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं और कुछ लोग अभी भी इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। अगर हम ये कहें कि बंजारों का जन्म स्थान राजस्थान ही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बंजारों की बोली भाषा, रहन सहन व पहनावा व रीति रिवाज सब कुछ राजस्थान से के लोगों से मिलती जुलती है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बंजारों का जन्म स्थान राजस्थान ही है। और वैसे भी बंजारों के बुजुर्ग लोग बंजारों का जन्म स्थान राजस्थान ही बताते हैं। कहते हैं कि बंजारे राजस्थान से ही सारे देश में यानी सारे देशों में फैले हुए। दोस्तों अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े अहम सवाल पर कि बंजारे क्षत्रिय हैं या नहीं। बंजारे अपने आप को क्षत्रिय यानी शुद्ध राजपूत भी बोलते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य भी है कि बंजारे क्षत्रिय हैं, क्योंकि बंजारों की गोत्र और राजपूत क्षत्रियों की गोत्र भी लगभग मिलती जुलती है। बंजारा जाति में भी चौहान, पवार, राठौड़ और कई प्रकार की गोत्र मिलती जुलती है। दोस्तों आपको बता दें कि हम पहले एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बताया था कि बंजारे क्षत्रिय हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने विचार जरूर रखिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, बंजारे क्षत्रिय हैं या नहीं, आप लोग अपने विचार जरूर रखिएगा। और वैसे बंजारा जाति बहुत ही पवित्र जातियों में से एक है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बंजारों को बदनाम कर देने के कारण बंजारा जाति को गलत नजरों से देखा जाने लगा था, जबकि बंजारों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। दोस्तों बहुत रिसर्च करने के बाद ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाए हैं, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो को कम से कम
10 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि बंजारों के इतिहास से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आप लोगों तक साझा करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।